अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर अमीर। आज इंशाल्लाह चिकन मैक्रोनी बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनती है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, पूरी वीडियो देखें। इसके लिए सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई चाहिए होगी। और एक अदद बंद गोभी का फूल, 3 अदद शिमला मिर्च और 3 अदद टमाटर काट लेंगे। प्याज 2 अदद और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। और चिकन को 1/2 kg मैंने लिया है और इसको बॉईल करके टुकड़ों की शक्ल में ले आएंगे। मटरों को मैंने बॉईल कर लिया, 1 पाव मटर है। और मैक्रोनी को भी मैंने बॉईल करके रख लिया। बॉईल करते हुए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया ताकि ये बनाते हुए ये चिपके ना। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज ऐड कर लेंगे और इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के इसमें डाल लेंगे। इसको दमे पर रखेंगे और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिए और अभी इसके अंदर इंशाल्लाह दूसरी चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। इसमें शिमला मिर्च और मटर मैंने ऐड कर लिए और इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। ये मैंने चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बंद गोभी ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैक्रोनी मैंने ऐड कर ली है और मैक्रोनी को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मायोनीज मैंने इस्तेमाल किया है। और ये केचप मैंने इस्तेमाल किया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी माशाल्लाह, हमारी मैक्रोनी तैयार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।